नवी मुंबईतील सांदपाडा पुलावरील खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर एक दिवसीय निषेध आंदोलन संयुक्त ट्रान्सपोर्ट संघटनेच्या प्रीती नायर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलं. संयुक्त ट्रान्सपोर्ट संघटनेनं सांगितलं की लवकरात लवकर उड्डाण पूल रस्त्याच्या दुरुस्तीचं काम PWD नं करावं. रस्त्याच्या दुरुस्तीचं काम वेळेवर न झाल्यास यापुढे आणखी तीव्र आंदोलन केलं जाईल असा इशारा देखील प्रीती नायर यांनी दिलाय. देखिए, ये जो आंदोलन है हमारा, ये PW के खिलाफ है. ये इसलिए है क्योंकि हमको काफी सारे कंप्लेंट्स मिले हैं. ये 6 महीना भी नहीं हुआ ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट होके, सांदपाड़ा के जो दत्ता मंदिर के सामने है ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट होके 6 महीना भी नहीं हुआ और इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए ऑलरेडी, ठीक है. और इसके बारे में हमको बहुत सारे कंप्लेन आए. फिर भी लोग, हम लोग जब उनके पास गए कंप्लेन देने तो कोई ले नहीं रहे थे, तो ये एक्शन लेना जरूरी समझा. हमने पहला लेटर सांदपाड़ा स्टेशन में दिए और PWT को दिए और आज ये पीसफुल रैली हमने लगाया. ये हम लोग सीरियसली लेंगे मैटर को, आगे भी ये फॉरवर्ड करेंगे लेटर, आगे हायर अथॉरिटीज को जाएगा लेटर. और फिलहाल तो अभी ये भर रहे ऐसे सुनने में आए और अभी देखते हैं. इनका खाली ये छोटा मोटा काम नहीं हमको मांगता है कि खाली पोर्ट होल से तो भर दिया और फिर छोड़ दिया. हमको ये चाहिए कि आगे जाके जो भी आप ब्रिजेस बनाएंगे क्या गारंटी देते हैं कि ये आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे लोगों को. वी वॉन्ट द बेस्ट फॉर द पीपल एंड सो हम लोग उसके लिए इधर पीसफुल आंदोलन करें. जी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है. हमसे कोई बात नहीं हुई अभी तक. हम उन्हीं के वेट कर रहे हैं कि वो आए हमसे बात करें और इस बारे में क्या मामला हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस बारे में बात करें हमसे. ये रोड के काम को लेके जो PWD ध्यान नहीं दे रही है, कल कोई भी गरीब आदमी गिर सकता है, उसके ऊपर से गाड़ी जा सकती है, उसकी जान जा सकती है, जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा लास्ट में. इस चीज की मुहिम के लिए हमने दीदी को सपोर्ट किया है संयुक्त ट्रांसपोर्ट संगठन के माध्यम से. मैं हरप्रीत सिंह, सरचिटनेस महाराष्ट्र. हमने ये आंदोलन इसीलिए किया है कि किसी गरीब आदमी के रास्ते पे जान नहीं जानी चाहिए. इसी के लिए रोड अच्छे से बननी चाहिए. जो आज इतने साल हो गए हैं कभी भी रोड बनती नहीं है. हर बार बारिश के पहले से रोड खराब होती है और बारिश के बाद तक रोड खराब रहती है. बट इनके पास जितनी मर्जी आप कंप्लेंट कर लो, दीदी ने 8 से 10 बार कंप्लेंट की है. अब कंप्लेंट हो जाने के बाद में इनको पता चला आज हमने मोर्चा निकालना है, आज इन्होंने रोड का काम शुरू किया. अगर ये चाहते तो हमारे बिना कंप्लेंट दिए ये काम कर सकते थे, पर बिना कंप्लेंट के ये कभी काम करते नहीं है. नहीं, हमने आज यहाँ से पहल की है. इसके बाद अभी हम और जगह पे भी जहाँ जहाँ, ये बहुत जगह पे, एक जगह पे नहीं है, कई जगह पे है. अभी हम खुद मुआयना करेंगे हर जगह पे जहाँ जहाँ ये चीज की तकलीफ है. हम खुद संगठन के साथ मिलके इसके लिए कंप्लेंट करेंगे. महाराष्ट्र न्यूज 24 साठी अनिश बाबर, नवी मुंबई.